किसान संगठनों और सरकार के बीच में आज फिर से बातचीत हुई है, क्या हुआ बातचीत में हम जानते हैं। आज की बैठक कैसी रही? आज की बैठक में हम लोगों ने हम पहली बैठक से एक बात कहते आ रहे हैं, बिल पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। सरकार को बिल एलईडी वापस लेना है और खरीदी गारंटी कानून बनाना है। हमने आज भी अपनी विवाद दोहराई सरकार से, सरकार ने कोशिश की हम अमेंडमेंट करा लें, हम नहीं करेंगे। तो फिर सरकार ने टाइम मांग लिया कि हम 8 तारीख बताएंगे आपके बारे में। हमने साफ कर दिया अपने स्टैंड, इस तरीके हम बात नहीं करेंगे। आप चाहे 1 महीने मानो, 6 महीना पूरा टाइम आपके पास, हम बैठे आराम से, जब आप तैयार हो बता दियो हमें। अब 8 कमेटी बुलाई है, सरकार मानती ठीक नहीं मानती, आंदोलन चलता रहेगा। तो ये भी सुनने में आया कि जब बैठक हो रही थी, थोड़ी देर आप लोगों ने बातचीत की, फिर काफी लंबा लंच ब्रेक चला, क्या हुआ था? लंच ब्रेक चला, उसके बाद सरकार ने टाइम लिया, बात करी होंगे अपनी। हमने फिर अपना स्टेट क्लियर कर दिया। हमने कहा इससे कम तो बात नहीं करके साफ कर दिया बात। और अब जब भी बात होगी, अध्यादेश सरकार को वापस लेने होंगे। अगर अध्यादेश वापस नहीं लेगी सरकार, आंदोलन चलेगा 6 महीने तक। क्या हुआ आज की बैठक? आज की बैठक में कोई अच्छा बातचीत नहीं हुई उस माहौल में, क्योंकि सरकार ने आधा घंटा पहले ही मीटिंग लेट शुरू की। हम सोचते थे कि जैसे सरकार की आज राजनाथ सिंह से मंत्रियों की मीटिंग हुई भी शायद कुछ अच्छा सामने निकल आए, लेकिन उस तरह नहीं आ पाया, क्योंकि बिल्कुल मीटिंग बेसिट्टा थी। सरकार चाहती है कि इसमें शोध करवा लो, उसमें हम पहले स्पष्ट एजेंडा है हमारा जथेबंदियों का कि हम ये तीनों कानून रद्द करवाने से पीछे कोई बात नहीं कर सकते। MSP पे कानून बनना चाहिए, जो हमने स्पष्ट इनको प्रपोजल बना के दी हुई है, इससे पीछे कुछ नहीं होगा। तो आज क्या हुआ बैठक में? जो हमने सुना कि पहले कुछ देर बैठक हुई, फिर काफी देर तक लंच ब्रेक चला, बातचीत नहीं हुई, क्या हुआ आज बैठक में? नहीं, बैठक में सरकार सोचती है कि किसानों को लेट करके हम डरा लेंगे या धमका लेंगे, ऐसी बात नहीं है। हम ना डरने वाले हैं ना दबने वाले हैं। हम का आंदोलन और तेज होगा, 6 तारीख को हम ट्रैक्टर मार्च करने वाले ई रोड पे। अगर सरकार ने हमको रोकने की कोशिश की तो हम उसको भी ब्लॉक करेंगे। जो शाहजहानपुर में धरना चल रहा है, वहाँ से दिल्ली के लिए मार्च? हाँ बिल्कुल, सभी जो बॉर्डरों पे बख बॉर्डरों पे धरना चल रहा है उसको सक्सेसफुल करेंगे, उसमें और भीड़ होगी। आप देखेंगे 6 तारीख को कितनी जनता देश से और किसान इन बॉर्डरों पे पहुंचेंगे। और अगली बातचीत से उम्मीद है 8 तारीख को जो मीटिंग है उसमें देखते हैं क्या करती है सरकार, नहीं तो हमारा जो 26 का प्लान है, 26 तारीख को जो तिरंगा लहराएगा, जिस दिन पूरा देश ये आज़ादी का दिन मनाएगा, हम भी उसमें परेड में झंडा लगा के तिरंगे का परेड उसमें हम करेंगे, जय जवान भी करेगा और किसान भी करेगा। किसान संगठनों के नेताओं और सरकार के बीच में आज फिर से बातचीत हुई, बातचीत खत्म हो चुकी है, लेकिन आज भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। पिछली बैठक में किसानों की 2 मांगे सरकार ने मान ली थी और ऐसा लगा था कि एक अच्छा रुख बैठक में मिला है, लेकिन आज कोई खास उसमें प्रोग्रेस नज़र नहीं आई। किसान संगठनों की जो मुख्य मांग है वो है 3 कृषि कानूनों को रद्द करना और साथ ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी देने वाला एक कानून बनाना, जहां पर सरकार ने अन्य 2 मांगे मानी, किसानों की पराली जलाने पे जो फाइन था उससे संबंधित और इलेक्ट्रिसिटी बिल से संबंधित। लेकिन इन 2 मुद्दों पर अभी भी मामला फंसा हुआ है, जहाँ पर किसानों ने सरकार को कहा कि ये बताए कि क्या कार्यविधि होगी इन कानूनों को रद्द करने की। सरकार ने कुछ और वक्त मांगा, अगली बैठक 8 तारीख को होगी, लेकिन किसान संगठनों का कहना है कि जहां पे उनके विरोध प्रदर्शन दिल्ली के बॉर्डरों पे जारी रहेंगे, 6 तारीख को, जैसा कि किसान संगठनों ने पहले ही कहा था कि अगर आज बातचीत सफल नहीं होगी तो एक ट्रैक्टर मार्च 6 तारीख को निकाला जाएगा। फिलहाल अगली बातचीत 8 तारीख को है। किसान संगठनों का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि सरकार उनकी बात पर ध्यान दे और उनकी मांग को मंजूर करे। क्या होगा 8 तारीख को ये देखना बाकी है। फिलहाल किसान संगठनों का कहना है कि आंदोलन को तेज किया जाएगा। अंजलि ओझा, गो न्यूज़।